हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज देखने वाले हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जो मैक्स प्लांक ने दिया था कि लोहे को गर्म करने पर वो शुरुआत में लाल, और अधिक गर्म करने पर श्वेत, और अधिक करने पर नीला हो जाता है। इस कलर परिवर्तन की व्याख्या तरंग प्रकृति द्वारा, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग प्रकृति द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि यदि तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित हो रही है तो वो तरंग एक साथ निष्कासित हो जाती, एक साथ कलर में परिवर्तन हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा ठोसों को जब गर्म करते हैं तो ठोस धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ही ठंडा होते हैं। इसकी भी व्याख्या तरंग प्रकृति द्वारा, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग प्रकृति द्वारा नहीं की जा सकती कि ठोस गर्म होने के बाद ठंडे होते हैं तो एक साथ यदि तरंग होती तो उसमें से एक साथ निष्कासित हो जाती, एक साथ ठंडे हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर उसका डाउन होता है। तो फिर विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कण प्रकृति को समझाने के लिए, ठोसों के तापों में परिवर्तन को समझाने के लिए, या लोहे के रंगों में जब गर्म करते हैं उसके रंगों में परिवर्तन को समझाने के लिए प्लांक ने, मैक्स प्लांक ने अपना सिद्धांत दिया कि अपन कण प्रकृति द्वारा इनकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं। तो मैक्स प्लांक ये 1858 से 1947 तक का कार्यकाल रहा इनका, के अनुसार परमाणु या अणु केवल टुकड़ों में, छोटे छोटे खंडों में विद्युत चुंबकीय विकिरणों या ऊर्जाओं का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं, अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं। प्लांक क्या कह रहा है, मैक्स प्लांक कह रहा है कि परमाणु हो या अणु, केवल टुकड़ों में विद्युत चुंबकीय विकिरणों या ऊर्जाओं को, या ऊर्जाओं का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं। जब भी ऊर्जा का अवशोषण होता है तो वो टुकड़ों के अंदर ऊर्जा अवशोषित करते हैं और टुकड़ों के अंदर ही ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। टुकड़ों का मतलब है तो विविक्त मात्राएं, विविक्त मात्राएं, डिस्क्रीट क्वांटिटी। परमाणु या अणु केवल टुकड़ों में विद्युत चुंबकीय विकिरणों या ऊर्जाओं का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं। अब ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का, न्यूनतम मात्रा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, यानी जिस न्यूनतम, मिनिमम क्वांटिटी जो एनर्जी की है जिसका अवशोषण एक बार में होता है या उत्सर्जन एक बार में होता है, ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है उसे प्लांक ने क्वांटम क्वांटम नाम दिया। यानी ऊर्जा की जिस मिनिमम क्वांटिटी का अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो मिनिमम क्वांटिटी क्या है, वो कहलाती है क्वांटम। और इसी को आइंस्टाइन ने फोटोन कहा है कि अणु या परमाणु विविक्त मात्राओं में, छोटे टुकड़ों में, यानी क्वांटम के रूप में ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करते हैं। क्वांटम की ऊर्जा, क्वांटम की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के
उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी ई एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोटोन की एनर्जी जो है या क्वांटम की एनर्जी है, क्वांटम की एनर्जी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती है किसके, उसकी आवृत्ति के न्यू के। और इस समानुपाती के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे एच, और एच कहलाता है यहाँ प्लांक स्थिरांक। एच इज इक्वल टू है यहाँ प्लांक स्थिरांक, और इसकी वैल्यू जो है वो बराबर होती है 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड होती है। न्यू यहाँ आवृत्ति है किसकी, ई क्वांटम की ऊर्जा, न्यू यहां क्वांटम की आवृत्ति, और एच प्लांक स्थिरांक है जिसकी वैल्यू अपन ने लिखी ली है 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड। और इस कार्य के लिए 1918 में फिजिक्स का नोबेल दिया गया किसको, फिजिक्स का नोबेल मैक्स प्लांक को दिया गया 1918 में। किस बात के लिए, कि परमाणु या अणु विविक्त मात्राओं में छोटे टुकड़ों में ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण करते हैं, इसीलिए पदार्थ एक साथ गर्म और एक साथ ठंडा नहीं होते, ठोसों को जब गर्म करते हैं। इसी कारण जो है लोहा एक साथ कलर में परिवर्तन दर्शाता नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जो निकलती है उसकी आवृत्ति में क्या होती है, तापमान बढ़ने के साथ वृद्धि होती है। तो लोहे को गर्म करने पर, लोहे को गर्म करने पर रंगों में परिवर्तन की व्याख्या इस सिद्धांत से की जा सकती है, इस सिद्धांत से की जा सकती है कि जब ठोसों का तापमान बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। यानी लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम और नीले रंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है। इसका मतलब ठोस का तापमान समानुपाती होगा किसके, आवृत्ति की। तापमान बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। यह था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लांक।